आधा घंटे का टाइम है वार्तालाप शुरू करो। टाइम जो दिखाते हैं ना जो पृथ्वी के आसपास जो परत है ओजोन की उसमें छेद हो गया है, तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो धरती पर नहीं पड़ने से इसका इफेक्ट पृथ्वीवासियों को गलत पड़ेगा, मतलब तरह तरह की बीमारियाँ आएंगी, तो इसका मतलब ज्ञान से भी कोई कनेक्शन है। का नाम दिया है ओजोन। पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो अगर सीधी पड़े बीच में ओजोन का पर्दा न हो तो बहुत नुकसान होगा, होता है। वो तो दुनिया भी स्थूल बात है, स्थूल सूरज है और उसकी स्थूल परत है, और पृथ्वी भी स्थूल है, लेकिन यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सूर्य भी चैतन्य है और ज्ञान सूर्य की ओजोन कहते हैं ना, ओजस्वी तेजस्वी वीर्यवान, ओज से भरा हुआ, ऐसे ओजस्वी वातावरण, ओज के प्रभाव से जो दूर होंगे उनको नुकसान हो जाएगा। बाहर की दुनिया में भी नुकसान हो रहा है और ब्राह्मणों की दुनिया में भी नुकसान हो सकता है, हो रहा है। आज भी वाणी में बताया कुछ बच्चे हैं जो लव में लीन रहते हैं, बाप के लव में लीन कहो, ज्ञान सूर्य के लव में लीन कहो, उनको मेहनत अनुभव नहीं होती है, मोहब्बत में रहने के कारण सहज सहज पुरुषार्थ के रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु जो उस मोहब्बत में नहीं रहते हैं तो ज्ञान सूर्य के ओजस्वी प्रभाव से दूर हो जाते हैं और टेंशन में आते रहते हैं, बेहद की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। भूत प्रेती आत्माओं के शिकार हो जाते हैं, तो ओजस्वी वातावरण के प्रभाव में रहना बहुत जरूरी है। इसका तरीका है रोज अमृत बेले की स्पेशल याद, वो तब ही होगी जब ईश्वरीय सेवा में लगातार लगे रहेंगे। बाप का विरुद्ध है जो सेवादारी बच्चे हैं उनको मैं याद करता हूँ, रोज अच्छी वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं,
एक अमृत बेला, दूसरा सेवा, ये दो बातों का अगर पक्का अभ्यास रखेंगे तो नुकसान से बचे रहेंगे। एक बार हमने सभी में देखा कि आज के 5 दिन पहले आप भागते हैं हस्ती के, मतलब आप पकड़ना चाहते हैं, आप भाग चले जाते हैं, ये क्या है? आप पकड़ ही नहीं मिले और रास्ते रहे और भाग रहे हैं आगे आगे, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं आपके पकड़ने के लिए, जबरदस्ती पकड़ रहे होंगे। और बोला कि देवी के पूजा के लावट से बताए बोला, मैंने समझ लिया माता तो देवी बनती है, माता ही तो देवी बनती है ना। हाँ हाँ, स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती है देवी के पूजा लेकिन श्रीमत देने के निमित्त तो नहीं है, है? कीमत देने वाला एक है या ढेर की ढेर शिव की शक्तियां हैं? एक जिससे श्रीमत मिलती है उसकी मत से ही पवित्र बनेंगे। एक होता है हेल्पर, हेल्पर माने सहयोगी, और एक होता है काम करने वाला मुखिया। जैसे कोई कॉलेज होता है, स्कूल होता है, तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य एक होता है और बाकी टीचर्स उसके हेल्पर कहे जाते हैं। ऐसे ही यहाँ से होंगे। और भारत माता शिव शक्ति अवतार, इस शिव की शक्तियां वो ही हैं जो ओजोन किरण के अंदर रहती है, और उन्हीं का नारा है। और बाबा ब्रह्मा ने सृष्टि रखी, 3 बार रखी है, अभी जो रखी गई है, अभी जो रचा गया है वो 3 बार है या 2 बार? ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, 1 बार रची, पसंद नहीं आई बिगाड़ दी, 2 बार रची, पसंद नहीं आई बिगाड़ दी, 3 बार रची फिर पसंद नहीं आई बिगाड़ दी। गायन है कहाँ का? संगमद्वीप का। 1936 में आदि ब्रह्मा के द्वारा संगठन तैयार हुआ ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों की शक्ति रची गई, और पवित्रता की बात को लेकर के झगड़ा हो गया। दूसरी बार फिर सृष्टि रची गई, और उसके लिए घोषणा भी कर दी नाम क्या रखा गया?
पहले नाम था ओम मंडली, दोबारा में नाम क्या रखा गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और उसकी घोषणा भी कर दी 10 वर्ष पहले, पुरानी शक्ति का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। कौन से सन में? 76 में। तो ये भी विनाश हो गया, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले माने जो भी सरेंडर हैंड्स हैं वो रह गए, और जो बाहर गर्भस्थ में रह करके सब पुरुषार्थ करते थे वो सब ले गए, और अभी भी ले रहे हैं, एडवांस ज्ञान में आ गए। उन सबका क्लास ट्रांसफर हो गया, नया संगठन तैयार हो गया, एडवांस पार्टी। और इसे एडवांस पार्टी में भी एक धर्म के बीज हैं या अनेकों धर्मों के बीज हैं? है? अनेक धर्मों के बीज हैं, पता नहीं लग रहा है कौन किस धर्म का बीज है। फिर इसमें भी घोषणा कर दी कोई खास बच्चों के लिए। तीसरा संगठन हुआ ना, उसमें फिर घोषणा कर दी। क्या घोषणा की याद है? है? हाँ, पहले ही बता दिया, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर जो एक ग्रुप तैयार होगा वो ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए, दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाए। फिर और बोला, तुम बच्चों के लिए बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दे दी है, तो नई दुनिया छोटी होगी या बड़ी होगी? है? सौगात तो दी है, लेकिन उस नई दुनिया को स्वर्ग नहीं कहेंगे अभी, हाँ स्वर्ग का फाउंडेशन कहेंगे। जैसे फाउंडेशन डाला जाता है तो जमीन खोद करके अंडरग्राउंड में कंकर पत्थर सब डाले जाते हैं, दुर्मुख चलता है तो कोई इधर उधर हो जाते हैं और कोई स्थायी होकर के जम जाते हैं। ऐसे ही नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया, नई दुनिया नहीं बन गई। कोई मकान की नींव डाली जाती है तो उसे नया मकान नहीं कहते, नींव के ऊपर जब पहली मंजिल तैयार होती है तो कहते हैं नया मकान हुआ। ऐसे ही अब नई दुनिया की प्रत्यक्षता होने वाली है, चौथी बार ये जो संगठन बनेगा वो स्थायी हो जाएगा। क्योंकि सत्यु की देवता वर्ण की आत्माओं की शूटिंग, त्रेता युगी क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की शूटिंग और द्वापर युगी वैश्य वर्ण की आत्माओं की शूटिंग और कलयुगी शूद्र वर्ण की आत्माओं की शूटिंग, ये चारों अवस्थाओं की शूटिंग में जब तक पसार नहीं होते हैं ब्राह्मण तब तक नई दुनिया का फाउंडेशन नहीं पड़ सकता। अब ये काम पूरा हुआ, 75 तक 40 वर्षों में
देवतावन की आत्माओं की स्तुति हुई 87-88 तक, 12 वर्षों में क्षत्रियवर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई, 98 तक, 8 वर्षों में वैश्यवर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई, 2003-04 तक कलयुगी शूद्रवर्ण की आत्माओं की तामसी शूटिंग भी हुई। अभी 2004 के बाद जो भी टाइम चल रहा है वो उस मूर्ति को निमित्त बनना है, जो आखिरी प्रैक्टिकल नई दुनिया तैयार कर दिखा देगी। वो समय अभी जल्दी नजारे में सामने आने वाला है। तो शास्त्रों में यादगार बनी हुई है, कथाएं बना दी हैं कि ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि रची, दूसरी बार रची, तीसरी बार रची और बिगाड़ती गए। लेकिन अब ये चौथी बार जो रचना हो रही है ये बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि चुनिंदा आत्माएं चुन ली गई। ये वो उन आत्माओं का फाउंडेशन है जो धर्मराज से कोई भी सजाएं नहीं खाती, बाकी सब पाप कर्म करने वाले सजा खाने वाली आत्माओं के संगठन प्रत्यक्ष हुए और ब्रह्मा को पसंद नहीं आए और जोर से बोलो। पीयू की वाणी जो सदी थी, हाँ जी, पीयू की वाणी के बारे में बोलते हैं कि जो सामने कन्हैया माता बैठती थी वो वाणी सुन करके डर जाती थी, तो क्या ये सही है? अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं, जो एडवांस के भांति हैं, उनसे अभी भी कहते हैं आपके बाबा की वाणी बड़ी खरी है, बहुत कड़क बोलते हैं। तो आदि में तो अंत में, अभी तो उतनी कड़क नहीं है, आगे चल करके और भी कड़क वाणी सुनावेंगे। जैसे अर्जुन ने कहा बस बस बंद करो, हम नहीं देख सकते, हम नहीं सुन सकते, काम का वो गए थे एक बार धोखावास के बस लेकर के गए थे यहाँ पर, तो उन लोगों ने देखा उसमें एडवांस ज्ञान तो हमको मिल चुका था और कभी कभी आपके पास घूमने आते थे, तो वहाँ उन लोगों ने बड़ा अन्याय बरसा, वहाँ के चंबल घाटी थे, चंबल घाटी के थे बहुत मोटे ताजे थे शरीर से, चमल घाटी के डकैत पंचम सिंह, हाँ, तो उनका एक पूरा एक बस घर के उनको मंगा लिया हम लोगों के लिए, जब हम लोग वहाँ गाइड करने गए संगम से म्यूजियम में, तो जितने भाई लोग थे हमको सबको बुला के उसने पार्क में बैठाला और हमसे सबसे सब हुलिया पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले, क्या काम करते हो, सारा ये सब हम लोगों ने थ्योरी पूछी और काफी उसके पास लोग बैठे उसे बहुत मौके मौके थे, उसकी तो बहुत बड़ा शरीर भयानक था, मतलब ऐसा डर पाया उन लोगों ने बहुत धमकाया, हाँ चाबू में अंदर मतलब गए लेकिन वो बात नहीं थी, सारा यही मतलब धमकाने की ही बातें थी, तो अब जैसे हम लोग वहाँ सेवा करने के लिए जैसे यहाँ से जाते तो अब उनके लोगों के अंदर क्या कोई बातें अभी भी होंगी जो ऐसा करने के लिए सोचे। तो आप संगठन बना के तो गए, संगठन बना के गए, दो बसें भर के तो गए, लेकिन जो दो बसें भर के गए उसमें कोई त्रुटि तो नहीं थी,
एक के संरक्षण में गए थे, एक की श्रीमत के अंडर में गए थे, या कोई और की श्रीमत लेकर के गए थे? संगठन जो बनाने वाला था, संगठन बनाने वाला, ऑर्डर देने वाला कौन था? तो भाई टीचर भी है, वो टीचर फरुखाबाद की किसके प्रभाव में गई थी? सोल आती थी, अब सोल के प्रभाव में जाएंगे, अब सुप्रीम सोल के प्रभाव में जाएंगे, उसमें अंतर तो पड़ेगा ना। और जोर से बोलो, शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर पड़े हुए हैं, जैसा काम किया वैसे नाम पड़े। हाँ, विदुर विद्वा विद्युता की बातें बोलता होगा। विदु माने वि माने विशेष, विदु माने विशेष रूप से जानकारी देने वाला, विशेष ज्ञानी, उसको कहते हैं विदुर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, उत्तर दिशा में भगवान आता होगा, तो पहले काल उत्तर दिशा में ही पूरे हैं। भारत में उत्तर दिशा में कौन सा ज्योतिर्लिंगम है? हैं? नहीं, उत्तर दिशा में काशी में है विश्वनाथ, बाबा ने बताया कि सूर्यवंशियों को छोड़कर जो भी इस्लामी वर्दी क्रिश्चियन चंद्रवंशी जो भी है ये सभी शरीर छोड़ने वाले हैं, सभी शरीर छोड़ने वाले हैं सूर्यवंशियों को छोड़कर, दूसरे ग्रुप जो भी है तो अब वो शरीर छोड़ करके प्रवेश करेंगे, बोला है शरीर छोड़ने के बाद वो प्रवेश करेंगे, छोड़ने के बाद प्रवेश करेंगे माने प्रवेश ही करते रहेंगे, जन्म नहीं लेंगे? जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? है जन्म लेंगे, जन्म लेके पुरुषार्थ करेंगे, अरे जो अनिश्चय बुद्धि होंगे वो ही तो शरीर छोड़ेंगे, निश्चय बुद्धि होंगे तो शरीर क्यों छोड़ेंगे? बताया था कि जो भी है चंद्रवंशी के बाद ये शरीर छोड़ने के बाद जो प्रवेश करने वाले आत्माएं हैं वो सूर्यवंशियों में प्रवेश करेगा बोला। जो भी 4.5 लाख हैं राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले, उन सभी में दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं प्रवेश करती रहती है संगम युग में, खास और 33 करोड़ देवताएं और भी जो हैं, उन सब में दूसरे धर्म और धर्मों के फॉलोअर्स प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, जो आत्म की स्थिति में पक्के होंगे, पक्का ब्राह्मण सो पक्के देवता बनते जावेंगे, वो उनके ऊपर विजय पाते जावेंगे। ये भूत प्रेतों की दुनिया खलास हो जाएगी और आत्म की स्थिति में रहने वालों की दुनिया बनी रहेगी। तो जो प्रवेश करने वाले होंगे वो आधारभूत होंगे या ये बीच वाले प्रवेश? जो भी यहाँ अचानक शरीर छोड़ते हैं वो
सब प्रवेश करने वाले सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बनते हैं। वो शरीर नहीं है, शरीर नहीं है क्या? शरीर नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई ये पढ़ी है कि हमको कंचन काया बनानी है, वो अगर शरीर छोड़े भी तो उनकी अंतमते सुगति क्या होगी? थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद फिर शरीर धारण करेंगे। वृंदावन में निराकार शिव को दिखाते हैं, उसके नीचे तीन आत्माओं को दिखाते हैं, उसके बाद क्या दो आत्माओं को दिखाया, फिर आठ ग्रुप्स बनाए ना वो, उसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है, उसके बाद निराकार ज्योति बिंदु जब आते हैं तो पहले तीन निराकारी आकारी स्टेज धारण करने वाली आत्माओं को चुनते हैं, जो सारे विश्व की मुखिया है। ब्रह्मा नीचे तबके का, विष्णु मीडियम तबके का, और शंकर ऊंचे तबके का। तीनों प्रकार की आत्माओं को चुन करके पहले उनकी आकारी निराकारी स्टेज बनाते हैं, फिर उनसे अष्टदेवों की रचना होती है। जैसे अभी अव्यक्तवाणी में घोषणा की, तीन तीर्थ शक्ति हुई है, पहले आठ का जिक्र किया या पहले तीन का फिर जिक्र किया? तीन। पहले तीन का जिक्र किया, माना तीन मूर्तियां पहले फिर होती हैं, फिर तीन मूर्तियों में जो पहली मूर्ति है ज्ञान सूर्य, उससे आठ उदय होते हैं, उन आठ में से जो आठ सहयोगी आत्माएं बनती हैं, उनमें से पहला युगल वो लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखाया गया है, फिर बाकी नंबर बार दिखाए गए हैं नीचे, उनकी स्टेज वाली आत्माएं दिखाई गई है देवी देवता सनातन धर्म की। और बाबा जो शिव की वाणी जो बक्से में बंद करके और गड्ढे में करके ढक दिया गया है, तो क्या वो अंतिम में फिर वो निकाल करके सब कुछ नहीं है? ब्राह्मणों का कोई भी कर्म व्यर्थ जाता है क्या? नहीं जाता है। ब्राह्मणों ने जिस लक्ष्य से जो काम किया है, भल नर चाहत कछु और है हो बत है कछु और, उस समय जो थे रखने वाले उन्होंने इस दृष्टिकोण से रखा, ये वाणी द्वापर युग में काम आवेगी, परंतु उनको ये तो पता ही नहीं है कि जब विनाश होता है तो सृष्टि का अणु अणु अपने स्थान से विचलित हो जाता है। अभी की रखी हुई वाणी कोई द्वापर युग में नहीं निकलेगी, ये तो यहाँ निकलनी है, इससे सारे राज खुलेंगे। और आजकल ये पत्ते तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा 70 साल 80 साल पुराने होंगे, लेकिन जो भोज पत्र है वो हजारों साल पुराने हैं और परत बाई परत बना करके रखे गए, ऐसे ऐसे यंत्र बनाए हैं कि उन यंत्रों से वो सारा पढ़ लेते हैं।
और उनको सुरक्षित करके रख देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भोज पत्र नहीं होते हैं कहीं कलयुग में? जैसे नारायण वाली आत्मा सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण होती है, कलयुग के अंत में कलाहीन कैसे बनती है? कलयुग के अंत में तमोपदान बनती है या नहीं बनती है? बनती है। ऐसे ही जो राम है वो रावण बन जाता है, और कंस कभी कृष्ण बन जाता है, कभी कृष्ण कंस बन जाता है। समय की सुई जैसे जैसे घूमती जाती है आत्माएं चेंज होती जाती है। इस सत्य के हीरो हीरोइन है ही राम कृष्ण की आत्माएं। कोई भी काम करना होगा तो पहले ये आगे बढ़ेंगे। अगर सत्य का विनाश कराना होगा तो विनाश के काम में भी किसको आगे बढ़ना है? इन्हीं राम कृष्ण की आत्माओं को मुख्य पार्ट बजाना है। भूकंप सबसे ज्यादा आबादी मरेगी करके तो फिर बेहद में भूकंप किस बात पर होगा जिससे सारा ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद की भू कौन है? भू माना पृथ्वी। बेहद की पृथ्वी का किसका पार्ट है? जगदम्बा जो है बहुत भू माना पृथ्वी, पृथ्वी माना प्रथुलाती जाती, चौड़ी चकरी होती जाती है। क्या पृथ्वी माता छोटी की छोटी रहती है या बड़ी होती जाती है? कलयुग के अंत तक बड़ी होती जाती है। ये पृथ्वी माता का पार्ट है, ये भारत तक ही सीमित नहीं रहती है। पहले 2500 वर्ष इस दुनिया में भारत खंड ही था, पृथ्वी नहीं थी। फिर कलयुग अंत तक क्या बन जाती है? पृथुला आती जाती है, चौड़ी चकरी होती जाती है। का नाम पृथ्वी माता पड़ता है, धरणी। तो कन्याओं माताओं में ही कोई ऐसा पार्टधारी है जो पृथ्वी का पार्ट बजाने वाला है। पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? हैं? पृथ्वी। तो उसमें जैसे प्रकृति का रूप समाया हुआ है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। कीड़े मकोड़ों को, बिच्छू टिंडनों को हिलाए के रख देगी। कैसे हिलेंगे? जब भूकंप होगा तो सारी जनरेशन मर पड़ेगी। ये ब्राह्मणों की जनरेशन में भी दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं भरी पड़ी है। इनमें सुखदाई बहुत थोड़े हैं और दुखदाई है ढेर के ढेर हैं। हिसाब खलास हो जावे, लगा झाड़ू और गए बाहर, घर की शुद्धि हो जाएगी। घर की शुद्धि होगी फिर लक्ष्मी का आवाहन हो जाएगा, फिर पालना होगी। जोर से बोलो ना, चार बजे आपके टाइम हो है। वो टाइम वाला वो खड़ा है। और ऐसे घर का गायन क्यों है?
कैसा है? कोई कलंक लगाने का पार्ट बजाता है। भगवान की भुजाएं जो सहयोगी बनती हैं भगवान की, उन भुजाओं को काटता है और काट करके अपनी लज्जा छुपाए लेता है। लज्जा छुप जाती है, भगवान के ऊपर कलंक लग जाते हैं। भगवान बड़े आराम से उन कलंकों को धारण कर लेते, क्योंकि यही तरीका है सच्ची के विनाश का। और चाहे कलंकी धड़ का हो और चाहे शंकर जी की छाती पर महाकाली का पांव कहो, बात एक ही है। और किसी ने सुना है क्या? क्या बोलते अजनाव खंड? अविनाश खंड बोलते क्या अजनाव खंड? हमने तो सुना ही नहीं जिंदगी में। भारत अविनाशी खंड दुनिया वाले भी बोलते हैं। जब खंड कह दिया तो टुकड़ा हो गया। खंड माने अखंड, खंड माने टुकड़ा। तो पृथ्वी को टुकड़ा थोड़े ही कहेंगे, जो सारी पृथ्वी है उसमें एक एक महाद्वीप को पृथ्वी का टुकड़ा कहेंगे? सारी पृथ्वी को टुकड़ा थोड़े ही कहेंगे, तो अखंड है। फिर आधा घंटा लगेगा जाके। पृथ्वी को प्रकृति माता ही तो कहते हैं। प्रकृति माता को जड़क में भी बोला है तो होगी या नहीं? कोई कोई चैतन्य आत्माएं ऐसी होती है जिनमें समझ की शक्ति कम होती है, और कोई कोई चैतन्य आत्माएं ऐसी तीखी होती है जिनमें समझ बहुत तीखी होती है। इसलिए भारत की परंपरा में आज भी ऐसे कहते हैं भक्ति मार्ग में कि औरत की खोपड़ी पीछे होती है। क्योंकि कलयुग के अंत में स्त्री जाति मंदोदरी बन जाती है मोस्टली। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। जितने भी पुरुष हैं वो सब रावण बन जाते हैं, रुलाने वाले। बाहर दरवाजा बंद है क्या? जितने भी पुरुष हैं सब रावण बन जाते हैं, और जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब पायलट बन जाती हैं, मंदोदरी बन जाती। दोनों को मिला के कहा जाता है रावण संप्रदाय। सारी दुनिया में कलयुग के अंत में सब आज रावण संप्रदाय है या राम का राज्य स्थापन हो गया? सारे ही रावण संप्रदाय। स्त्रियां हो गई मंदोदरी और पुरुष हो गए रावण। कोई छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि हम मनसा से वाचा से कर्मेंद्रियों से कभी किसी को रुलाते नहीं है। रावण का अर्थ यह है, रावयते लोकान इति रावण। जो लोगों को रुलाता है उसको रावण कहा जाता है। राम राज्य में सब राम संप्रदाय और रावण राज्य में सब रावण संप्रदाय। अभी राम की राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है? तो राम वाली आत्मा भी कौन सा संप्रदाय है? है उसे भी कहेंगे रावण संप्रदाय।
पतित दुनिया में सब पतित होते हैं नहीं, और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। सेवेंटी सिक्स में सेवेंटी सिक्स में रामवाली जो आत्मा है वो पावन बन गई ना। आत्मा के पावन हो जाने से मनुष्य पावन बन जाएंगे क्या? मनुष्य कहा जाता है आत्मा और शरीर दोनों का मेल, तो आत्मा पहले पावन बनती है या शरीर पहले पावन बनता है? आत्मा बनती है, तो आत्मा दिखाई थोड़ी पड़ती है। ये तो अंदर की समझने की बातें हैं। जो समझू सयाने बच्चे होंगे वो आत्मा को समझ लेंगे, देख लेंगे। नहीं तो ना आत्मा दिखाई पड़ती है ना परमपिता परमात्मा दिखाई पड़ता है। समझू बच्चे रिगार्ड करेंगे परमात्मा बाप को समझ करके। जो बेसमझ होंगे उनको तो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा कि शक्ति का मूल पुरुष कौन है, आदि पुरुष कौन है और उसमें परम पिता कैसे कार्य कर रहा है। वो तो उल्टी बातें करेंगे, उल्टा व्यवहार करेंगे और उल्टे ही संकल्प करेंगे। इसलिए आत्मा पहले पवित्र बनती है ज्ञान से और शरीर पहले पवित्र बनता है या बाद में पवित्र बनेगा? बाद में शरीर पवित्र बनेगा। और शरीर के पांच तत्व पवित्र बनेंगे ही तब, जब ये 500-700 करोड़ की दुनिया जो रावण संप्रदाय है, दुष्ट संकल्प दुष्ट भावनाएं फैलाने वाली है, दुष्ट वातावरण बनाने वाली है, वो सब आत्माएं शरीर छोड़ दें, उनके पांच तत्वों के बने हुए शरीर ही खलास हो जाएं, तब जो मुट्ठी भर आत्माएं रह जाएंगी इस धरती पर, उनसे शुद्ध शरीरों का निर्माण होगा, तब शुद्ध वातावरण बनेगा, तब कहेंगे आत्मा भी शुद्ध और शरीर भी शुद्ध। अभी संचेतन से नहीं कहेंगे, संचेतन तो शुरुआत है आत्मा की शुद्धि की। लक्ष्मी नारायण के लिए हो गया है, दो चीज जो हुआ लक्ष्मी नारायण हो गया क्या? जो 76 में लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हुई है वो दो हो गए हैं बोल रहे हैं। हाँ, वो तो मन की बात है ना, पावन बन, मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात है या जिस शरीर में वो आत्माएं काम कर रही है वो शरीर की बात है? है आत्मा की बात है, आत्मा को पहचानना ये ज्ञान की बात है। जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो उस स्वरूप को पहचानती है। इस तमो प्रधान शरीर में बड़े से बड़े कामी कांटे में बड़े से बड़ा एवर प्योर बाप आया हुआ है, सब नहीं पहचानेंगे, न पहचानेंगे न रिगार्ड देंगे न देख पाएंगे और न उसकी बातों को सुन पाएंगे। एक देव लिखा है, राम नाम के आलसी भोजन के उद्यान जैसे नरम को बार बार धनकार मन क्या धनकार नहीं धिक्कार धिक्कार मतलब क्या धिक्कार मना समझ नहीं पा रहा। धिक्कार मना उनको हे दृष्टि से देखना, बड़े नीचे हैं उनको नीच भाव से देखना, धिक्कार है तुमको ऐसे ऐसे काम करते हो। भगवत गीता में लिखा है
गीता में कि मनुष्य मतलब अच्छे घर में मतलब मेरा योगी योग से जो परिभ्रष्ट हो जाता है तो मैं फटे वालों की तरह छिन्न भिन्न कर देता हूँ। मतलब मेरा योगी जब योग से परिभ्रष्ट हो जाता है तब उसे फटे वालों की तरह छिन्न भिन्न कर देता हूँ। अंत में उसे अच्छे घर में जन्म लेता हूँ और देने बिना पुनः ऐसे करते करते अंत में योगी मुझ में लीन हो जाता है और वो जन्म मर से न्यारा हो जाता है। क्या सत्य है? ये तो मनुष्यों की लिखी हुई गीता में या शास्त्र में ये बातें बताई है। बाकी लीन होता है कोई नहीं, उसमें भी जन्म मर से न्यारा हो जाता है, वो जन्म लेता है, मरता है, अंत में मुझका मेरा योगी मुझे में लीन हो जाता है। जन्म मरण से न्यारा होने का मतलब है कि निश्चय रूपी जन्म भी नहीं लेता बार बार और अनिश्चय रूपी मृत्यु भी नहीं होती बार बार। जिसकी बार बार मृत्यु होगी उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जो सदा काल का अटल निश्चय बुद्धि बन गया उसको अनिश्चय होने का सवाल ही नहीं। तो बृहद की मृत्यु और बृहद के जन्म की बात है। जो पक्के ब्राह्मण बनते जावेंगे उनकी बेहद की मृत्यु और बृहद का जन्म खलास हो जाएगा, इच्छा मृत्युधारी बन जाएंगे। बाबा पुराण में लिखा है दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया था तो उसमें सती जबरदस्ती चली गई, सती जी चली गई, मतलब माता ही चली गई, पिताजी के कहने पर भी नहीं माना। दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो मतलब हाँ उसमें लिखा है यज्ञ पुरुष के बिना यज्ञ किया ये हंसने की बात नहीं है क्या, कि यज्ञ पुरुष को बुलाना जरूरी था है? तो उसमें उन्होंने जो है शंकर जी को नहीं बुलाया है? और उसको चली नहीं बगैर मतलब कि हम तो पिता के यहाँ जाएंगे ही तो मतलब ऐसे उनको नहीं जाना चाहिए था। हाँ कहाँ की बात है? हाँ यहाँ पर बेसिक नॉलेज में प्रजापिता होता है या नहीं होता है? होता है प्रजापिता यज्ञ में नहीं होता है? बिना प्रजापिता के कोई यज्ञ चलता है क्या? जानते भले नहीं है लेकिन होता तो है। वो तो टाइटलधारी था, वो टाइटल उसे कहीं से मिला या स्वयं का टाइटल था? मिला तो पिता था ना, तो उस प्रजापति के यज्ञ में जो ज्ञान यज्ञ रचा गया उस ज्ञान यज्ञ में शंकर जी को कोई स्थान नहीं मिला, तो उन्होंने अपने गण तैयार कर दिए। उन गणों ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सच्चाई का विध्वंस होता है या झूठे का विध्वंस होता है? झूठे का विध्वंस हुआ, सच्चाई थोड़े ही नाश होती है, तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पिताजी के पास जो बच्चे थे शंकर जी का अपमान हुआ तो अपमान को वो सहन नहीं कर सके। जिसमें सत्य था, जिस सत्य के आधार पर वो प्रैक्टिकल नई दुनिया तैयार करती है कौन? वैष्णवी। इसलिए वो अपने देवान को स्वाहा कर देती है किसी यज्ञ में, कोई बेसिक यज्ञ में। जब देवान स्वाहा हो जाता है तो शंकर जी को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने गण तैयार करते हैं और गण जाकर के यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। और उसमें बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि पिता होते हुए माँ नहीं है तो बच्चे थोड़ा व्याकुल रहते हैं कि माँ क्यों नहीं है, ये तो थोड़ा घबराहट हुई होगी बच्चों। भारतवर्ष में पुरुष की एक स्त्री मरती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते हैं, ऐसे मुरली में बोला है। एक करते हैं दूसरी करते हैं तीन चार शादियां भी कर लेते हैं। ये बातें दुनिया वालों को सुना रहे हैं या ब्राह्मणों को सुना रहे हैं?
ये मुरली में जो बातें सुनाई है वो किसको सुना रहे हैं? ब्राह्मणों को सुना रहे हैं। इसका मतलब ये परंपरा की शुरुआत जब भगवान बाप आते हैं तो प्रजापिता के द्वारा ही ये शुरुआत होती है। रची एक बार एक माँ से रची, नहीं पसंद आई, क्या कर दिया? दंस कर दिया। फिर दूसरी माँ से रची, फिर नहीं पसंद आई, फिर ध्वंस कर दिया। फिर तीसरी माँ से रची, फिर नहीं पसंद आई, फिर ध्वंस कर दिया। फिर चौथी बार सृष्टि तैयार हो जाती है। तो माता सूर्यवंशी चाहिए या और वंशों की माता से नई सृष्टि बन जाएगी? है सूर्यवंशी, असल सूर्यवंशी माता चाहिए। और उसको महाभारत में नाम दे दिया सत्यवती, सत्यवती माने वाली, परदादी अम्मा। बाबा महाभारत में दिखाया गया मतलब ये इतने पितामह सैया पर लेते थे कांटों के सैया पर, तो उन्होंने कहा मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी बहुत तेज, तो दुर्योधन पानी लेके आ रहे, नहीं मुझे पानी अर्जुन पिला सकता है, तो कृष्ण और अर्जुन दोनों आदमी मतलब साथ साथ गए, तो उन्होंने कहा है आप प्राण त्यागने मुझे देखा नहीं था। तो उन्होंने यहाँ प्रश्न ये है कि मतलब जब कृष्ण सामने खड़े थे तो प्राण त्यागने वाला आदमी स्वर्ग में जाता है, तो उन्होंने कहा हे कृष्ण इस समय सूर्य दक्षिण है, मरने वाला का भी नर्क होगा और सूर्य उत्तरायण में जाएगा तब तब मैं प्राण त्यागूंगा, तो सूर्य क्या चीज है? ज्ञान सूर्य सूर्य है। ज्ञान सूर्य जब विदेशी बन करके पार्ट बजाता है तो दक्षिणायन है। अगस्तवाणी में बोला है, मुरली में भी बोला है कि बाप दादा इस समय विदेशी बन करके बाप आया हुआ है, तो विदेश दक्षिणायन हुआ या उत्तरायण हुआ? ये दक्षिणायन हो गया, दक्षिणी सभ्यता हो गई। जैसे झाड़ में दो तरह की डालियां हैं, एक बाम मार्गी एक दाएं मार्गी, ऐसे ही ये जो दक्षिणायन सूर्य होता है विदेशियों के लिए सूर्य विशेष कार्य करता है, क्योंकि ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता विदेशी करते हैं या स्वदेशी करते हैं? कौन प्रत्यक्ष करता है? विदेशी करते हैं, तो विदेशी में बुद्धि ज्यादा होती है। भारतवासी तो कमो प्रधान हो गए, वो भारत के कुंभकर्ण भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, तो विदेशियों से जब तक काम लेना है तब तक बाप को विदेशी बनकर के रहना। तो सूर्य दक्षिणायन हो गया, इसलिए उनको शरीर कब छोड़ना है? जब उत्तरायण हो जाए। बाप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। वहाँ कृष्ण खड़े थे मौके पर, तो मतलब शरीर प्राण छोड़ने के बाद हरे कृष्ण, कृष्ण तो उन्होंने नाम डाल दिया है देहदारी का, वास्तव में भगवान की बात है या कृष्ण की बात है? वो तो निराकार ज्ञान सूर्य की बात है ना। है? जो आज के साधु सन्यासी हैं जिनको ये ज्ञान के बाण लग रहे हैं, चाहे वो बेसिक नॉलेज में हो और चाहे बाहर की दुनिया के हो, वो बाण तो उनको लगेंगे ना, ज्ञान प्रत्यक्ष होगा तो ये ज्ञान उनको सुनाई नहीं पड़ेगा? सुनने में आएगा कि नहीं? सुनने में आएगा क्या? ब्राह्मणों की दुनिया के जो सन्यासी हैं उनको ये ज्ञान सुनने में नहीं आ रहा है? सुनने में आ रहा है, लेकिन वो बाण उनको लग तो रहे हैं लेकिन बिंधे हुए पड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, कोई जवाब दे नहीं सकते। और माँ माने नहीं आया, माने आया, नहीं आया होता तो अच्छा था, बीच में आ गया सारा का काम खराब कर दिया, गड़बड़ कर दिया, उतार थी सारा डावाडोल हो गया।
जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं वो स्वाद क्या जाने। ये रसगुल्ला कौन सा? ये तो मेरा रसगुल्ला सन्यासियों को कहेंगे। सन्यासी जो है वो घरगस्त में रह करके कैसे पवित्रता को पालन करना है, उन्होंने कल्प कल्प ये पढ़ाई पढ़ी ही नहीं, तो कैसे उस बात को स्वीकार करेंगे? चल।